वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो आपको उतना मतलब नहीं समझना है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप जिस बुक से पढ़े हो उस बुक में ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर चेंज हो जाएगा ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, ये सब चेंज हो जाएगा, इस पर आपको गौर नहीं करना। वैसे भी मैं नहीं देता रहता हूँ, अब एनसीईआरटी का हुआ इसलिए मैंने दे दिया, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, क्योंकि मैं अगर मेंशन कर दूंगा कि आर एस अग्रवाल ने फलाना ही क्वेश्चन है, फिर अगला साल अपडेट हो जाएगा बुक, बुक सब तो अपडेट होता रहता है ना, इसको छोड़ के लंबा समय के बाद होता है, लेकिन वो तो हर एक साल कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, तो उसमें मैं अभी कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन बच्चे लोग देखेगा कुछ और ये नहीं देता हूँ। मेन आपको क्या फोकस करना है, ये क्वेश्चन पर फोकस करना है, ये सब उतना फोकस रहेगा, इतना पता रहना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है और ये आपको क्वेश्चन है, ये सब उतना भी दिमाग रखना है। चलिए ऐसा मेरे अपने को क्वेश्चन से बता, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ता के यानी कि इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, LHS इसको क्या लाना है, RHS लाना है, ठीक है, LHS इसको क्या लाना है, RHS। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, पहले तो क्वेश्चन, पहले तो ये लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS कितना सर है ये आप उतार दो, इसको ऐसे करके क्या करूंगा, उतार देना, मैं भी अभी क्या करूंगा उतार। अच्छा अब यहाँ पे देखो कितना पर्सन क्या करते हैं, कितना स्टूडेंट क्या करता है कि इसको ऐसे करके रोक देता है, ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला लगा देता है इस टाइप का, तो इस टाइप का अगर आप जाओगे ना तो थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी टाइप का हो जाएगा, अब बन भी सकता है, नहीं बन सकता, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा, तो मतलब कंफ्यूज कर दीजिएगा, अपने ही जाल में फंस जाइएगा, बात समझे ना। तो सर ये सबसे बात सवाल में थोड़ा दिमाग नहीं चलता है, आप तो तुरंत बना देते हो, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो देखो बाबू लोग इस सवाल में वाकई में कुछ उस लेवल पर ट्रिक नहीं काम करता, जैसा आप लोग मतलब चाहते हो, उम्मीद करते हो कि हमको ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिल जाए, वहां एक बन जाए, इस सब सवाल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस का चीज है। पहला सेकेंड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दो चीज आपको इस सवाल समय करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड चीज में चलो कहीं ना कहीं कुछ कुछ अपना लग गया, कुछ तुक्का पर मतलब ट्रिक व्रिक लग गया, वो थर्ड में आता है। तो फर्स्ट में क्या बोले मैंने आपको, मैंने अभी आपको क्या बोला, फर्स्ट में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट में आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्या चीज, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। थर्ड में थोड़ा बहुत ट्रिक काम आता है, वो भी थोड़ा बहुत, इस सवाल ज्यादा ट्रिक व्रिक ये मतलब नहीं काम आता है, थोड़ा बहुत काम आता है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें थोड़ा सा दिखाता है, सबके दो में काम कीजिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सब सवाल में क्या करेंगे, इस सब सवाल में क्या करेंगे, ये सब सवाल में, ये सब सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का हल होता है, इसको इस पर मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा, ठीक है, इसको मैं इस पर क्या करूंगा, सेट करूंगा, इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दो यही। अच्छा क्या था दिक्कत, अब यही पर क्यों किया मैंने सेट, उस वाला पर जैसा मैंने बताया था इसका इसका सब फॉर्मूला क्यों किया, नहीं बनता थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा इजी वे से बन जाएगा, इसलिए। अच्छा अब यहाँ पे अगर ये a और प्लस b है का हल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस b का हल स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको इस पर से ठीक, a प्लस b है यहाँ पे, ये वाला ये फॉर्मूला बना, यहाँ पे a a के जगह पर साइन है, प्लस b के जगह पर किया, उसका फॉर्मूला सेट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर की बात उठा पटना चलेगा, ऐसा प्लस 2ab 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, क्या क्या मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर मैंने इसको सेट कर दिया, प्लस तो प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा, कोई बोला a स्क्वायर क्या जाएगा बच्चे लोग, a स्क्वायर और क्या जाएगा ये b स्क्वायर प्लस 2ab, 2
सॉरी बी हो गया। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, ये और ये मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो ए है और यहाँ बी है, मिला। फिर बी है, बी है, मिलना चाहिए। देखो ये बी है और ये बी है, कहने का मतलब है इसको ये माने इसको बी माने, हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए मिल गया। अच्छा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सीधा बनाएंगे एकदम अच्छा। बोली कर वो मेंशन करना पड़ेगा था, बट टीचर सामने लीजिए इस पर सेट करके आपने इसको बनाया बराबर। अब इसको जो तोड़ूंगा इसको तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन दो बार है, एक बार और ये दो बार, तो गुना में पावर जुटता है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर दोनों हो जाएगा। अच्छा हो गया, ओके। फिर प्लस और प्लस इसको दो बार लिखूंगा इस टाइप का, ओके। फिर प्लस इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, तोड़ूंगा गुना किए टू साइन कोसेक सबको गुना किए, ये बता गया ना। प्लस तो प्लस इसको ऐसे करके उतार देंगे, इसको सौ उतार देंगे, चिपका दिए। ये अलग अलग था ना, ये नहीं था, ये था सधारे लगे, इसको चिपका डाल। तो ये दोनों एक ही बार बचे रहो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने शो कर दिया गुना, ठीक है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, लेकिन यहाँ भी गुने हैं, यहाँ से मुझे देख रहे हो इधर इधर क्या है गुना है, मैंने शो नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा यही चीज तो मैंने ऐसा एक ही बात चला। अब यहाँ पे गौर करो बराबर होगा। अच्छा फिर इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा, फिर इसको चुपचाप ऐसे करके उतार दूंगा, फिर दू। अभी मैंने क्या बताया, दो और इसके बीच में कुछ ना गुना है, गुना है
ठीक, ये दो और दो चार, तो ये हमें ऐसे करके भी आप कर सकते हो, इसको उतार दो। ठीक है, आप समझे, इसको इसको मैंने किया तो एक आया, ठीक है, प्लस तो प्लस, बाकी ये पूरा का पूरा वैसा ही वैसा क्या क्या होता है। तो आपको नहीं लगता है फालतू मैंने नंबर हाथ दिए, तो यहां से पहले आप देख लीजिए, बस मैं अभी इरेज करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में उतार लेंगे। इसको देखिए एकदम अच्छा से हो गया, देख लिए, देखिए ज्यादा लाइन बढ़ाने से क्या फायदा, ठीक है, ज्यादा लाइन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हमको एक बात पता होगा सिर्फ, हम जो है ये ले लो, अच्छा पहले मैं इरेज कर रहा हूं, ये लेने हम फालतू में क्यों देंगे, ये लेने हम क्यों देंगे, ये लेने हम स्किप भी तो कर सकते हैं ना, ये लेने हम क्या कर सकते हैं, देखो इसलिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि दो तो चार है, पांच हो गया, तो पांच हो गया जो ये लेने हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। देखो टर्म के अनुसार उठाने वाला जिसके पास जितना पैसा रहता है उस हिसाब से वो अपना तौर तरीका बदलता है, ठीक है, किसी के पास 1,000 रुपया है तो वो एकदम अच्छा से घूमेगा फिरेगा मेला में खाएगा पिएगा जो बनेगा वो करेगा, तो उसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है, हाइप तो बहुत ही कम है, तो उसको मेला घूमने में उतना मजा नहीं आएगा, उसको खर्च करने में उतना मजा नहीं करेगा, खर्च कहां से करेगा। सुन रहा था, मेरे कहने का मतलब यह है जिसके पास जितना पैसा रहता है, ठीक है, उसको उतना ज्यादा किक मिलता है अंदर से, एंजॉय मिलता है, चलो उन्हें भी कुछ खरीदता ना तो उसका कदम अपने अपने आप आगे की ओर बढ़ता है। जेब में जब पैसा रहता है ना तो कदम अपने और अपने आप आगे की ओर बढ़ता है। उसी तरह एग्जाम में जितना टाइम रहेगा ना उस हिसाब से आपको समझ लीजिएगा। आपके पास टाइम है नहीं, अब एक ही सवाल को सजावट कर लो दुल्हन की तरह, सजाओगे आप, ठीक है, सवाल के सवाल का दुल्हन की तरह सजाते जाओगे आप, उतना टाइम नहीं है, प्रॉपर बनाकर निकलिए, दूसरा सवाल को मतलब दीजिए टाइम, ये मेरे कहने का मतलब। तो मैं यहाँ पे बिठा दिया, कुछ तो गलती नहीं किया, देखो आपको 5 लाना है ना, देखो तो 5 आएगा आपका, क्यों, देखो ये तो हमें 1 देगा, 2 1 3, ये तो हमें 1 देगा, नहीं 1 2 3 है, 2 5, 5 आ गया। आप चाहो तो ये भी स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों आप तो धीरे धीरे कर नहीं कर रहे, बाद में बड़ा पूरा कर दोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये और ये क्या हो गया, 1 हो गया, अलग अलग है ना, हम एक जगह नहीं करेंगे, मेरा मर्जी, अब ये और ये का 1 हो गया, अब फिर ये 2 3, अब फिर 2 5, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहने का मतलब थोड़ा स्किप भी करोगे लेन को, दो लेन को, तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बराबर होगा 5, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 जोड़ कोट स्क्वायर, होता है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, इसका फॉर्मूला नहीं याद रहेगा कैसे चलेगा, सर इसका तो फॉर्मूला बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन आपके पास 2 अंक है ना, आप ये वाला सवाल इधर वाला अंक तो देखिए, ठीक है, ये वाला अंक तो देखा नहीं, कैसे देखो, ये देखो इधर है ना, अब आप ये अंक तो चला इधर का तो आप देखिए, लेकिन ये अंक तो नहीं देखे, ये अंक देखिए तो क्या है, कोट है ना, इसलिए इसको ऐसा सचिन करेंगे कि कोट वाला फॉर्म आता है। तो मेरा दोनों अंक कर देखा, आप देखिए एक अंक से तब तो आप इसका कोई भी फॉर्म लगा दीजिएगा, लेकिन दोनों तरफ देखेंगे, मतलब अलग चश्मे भी और अलग चश्मे भी, पीछे तो कुत्ता आ जाएगा तो तब आप ऐसे चलेगा, बस मेरे कहने का मतलब है सिचुएशन के अनुसार। अभी आप घर में सब आदमी है, ठीक है, भूकंप आ जाएगा तो करोड़ों का घर क्यों रहेगा, छोड़ के भागेगा आदमी रोडे पर, तो इसे क्या समझ में आता है कि सिचुएशन के अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, बात समझना। इसका परिस्थिति अगर ऐसा बना रहता, इसका हालात परिस्थिति ऐसा बना रहता तो लगा देते, लेकिन भाई अभी ये इस काबिल नहीं है, अभी इसको इस पर सेट नहीं करेंगे, अभी इसका परिस्थिति किसके जैसा है, इसके जैसा है, ये वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, अच्छा
हो गया देखो पांच छ और एक सात सात। अब कितना आदमी क्या करता है घर पर हाथ देता है उससे निकाल दो ऐसे इसको एक जगह करो तो अब जाकर पांच सौ सात करो। देखिए अब सवाल में क्या है पहले टेन अपने कोटे उनका पता चले कि सही है लेकिन अपने लोग क्या हुए अपने लोग शाप हुए किसके क्वेश्चन के ये मालिक बात है मालिक ऐसा होता है वैसा करता मालिक को अपने टेन अपने चेंज करते अपने लोग फालतू में करा लेगा अगर हाथ के मतलब होने वाला नहीं है ये सब क्यों दीजिएगा इतना स्किप करने का कोई मतलब इतना बनाने का कोई मतलब नहीं है स्किप कर दो हटा दो सब डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो सात सात प्लस कॉन्टेस्ट करे जो टेनिस करे यही पेंसिल कर दो यही रिकॉर्ड बना दो नहीं तो आप अच्छा हो तो ये भी लेट स्किप कर दो डायरेक्ट ही डायरेक्टली यहां पे कर दो पांच जोर ये यही पेंसिल कर दो सात होगा सॉरी पांच छ सात होगा सात हो गया ये हो गया अपने लोग का यहाँ पर लिख दो सो इसलिए है हिंदी मीडियम मिलेगा तो आपका कुछ भी हो अब यहाँ तो फिर ये मजा आ रही मिलेगा हैंस प्रो हैंस प्रो हो गया हैंस प्रो खत्म फिनिश कुछ भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा इस सर यहाँ नहीं यहाँ इस सवाल में नहीं समझे कमेंट कीजिएगा साथ ही साथ कमेंट में ये भी आप हमें सजेस्ट करोगे कि इस चैनल पे नहीं क्या क्या मतलब आप क्या देखना चाहते हो क्या आप उम्मीद करते हो है ना चैनल वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर है ना तो इस चैनल से इस यूट्यूब चैनल से आप क्या उम्मीद करते हो कि आपको किस तरह का कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करें क्या ऐसा क्वेश्चन है आपके नजर में जो आप हमसे पढ़ना चाहते हो कि सर इस क्वेश्चन पे देखो सोल्यूशन तो हर टीचर करता है हर टीचर ऐसा ही बनेगा लेकिन अपना अपना एक तौर तरीका होता है सब तो यही आएगा ना ये तो नहीं है कोई अलग चीज ला देगा सब तो यही आने वाला है लेकिन सबका अपना अपना क्या होता है तौर तरीका होता है यहाँ अपना पैटर्न का फॉलो करो देखो ऐसे करके ले दिए यहाँ भी मत दो ठीक है इसमें ऐसे करके दोगे तब यहाँ भी मतलब लगना चाहिए हाँ सेम टू सेम तो आप किस टाइप का देखना चाहते हो क्या सजेस्ट करो मैं रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैं रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन देखना चाहते हो हमसे पढ़ना चाहते हो वो हमें बोलो साइंस कुछ भी वट एवर वांट टू है कुछ जो भी टॉपिक आपको दिक्कत होगा समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट कर सकते हो और शेयर कर देना पक्का और सब्सक्राइब तो पक्का कर ही देना ठीक है और शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना दूसरे को भी प्रचार प्रसार करना कि चैनल से जुड़ने के लिए तो मिलते हैं बहुत ही जल्द तब तक के लिए थैंक्स अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा सा पढ़िएगा क्योंकि सागर सब पढ़ाते नहीं है फील कराते हैं लव यू थैंक यू धन्यवाद बेस्ट ऑफ